नागपुर के पाचपावली पुलिस स्टेशन को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें पुलिस विभाग ने बाइक चोरों को पकड़ा है। पुलिस ने जब्त की हुई गाड़ियां फिरियादी को लौटा दी, जिसमें रॉयल एनफील्ड का भी समावेश है। पुलिस ने बताया कि यह चोरी हुई गाड़ियां चोर दूसरों को बेच करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो उस पर ध्यान रखिए, वरना आपको उसे खोने का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शहर में बाइक चोर भी है जो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी मोटरसाइकिल को कब बेच देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नागपुर शहर के पाचपावली पुलिस स्टेशन में ऐसे ही बाइक चोरों को पकड़ा है जो लोगों की मोटरसाइकिल चुराते हैं। आरोपी फैजल उर्फ गोलू बिस्मिल्ला खान उम्र 24, शेख नदीमुद्दीन वल्द उम्र 23 ने फिरियादी बलजीत सिंह सिंह सहगल के घर के सामने खड़ी हुई रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल चोरी की। आरोपियों ने मोटरसाइकिल के नंबर मिटा दिए थे। पुलिस ने रॉयल एनफील्ड और स्प्लेंडर जब्त की है। पुलिस ने बताया कि अब बाइक चोर दोपहिया वाहन को चुरा कर दूसरों को बेच देते हैं। माझं नाव सहायक पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत कोसे, पाचपावली पोलीस स्टेशन। बाईक चोरीच्या घटनांमध्ये सतत वाढ होते, पण आमचं डिटेक्शन पथक तेवढ्याच जोराने डिटेक्शनचं काम करत आहे। आम्ही दोन बाईक्स, एक त्यात बुलेट आहे आणि एक स्प्लेंडर कंपनीची बाईक आहे। आमच्या गोपनीय माहितीनुसार फैसल बिस्मिल्ला खान आणि दुसरा आरोपी होता शेख नदीमुद्दीन, या दोघांच्या ताब्यातून आम्ही या दोन गाड्या जप्त केलेल्या आहेत। सबींवरती असलेल्या गुन्ह्यांचा आम्ही शोध घेतो आहे की क्राईम चार्ट बघून आम्ही निष्पन्न करतो की अगोदरचे सराईत गुन्हेगारच वाटत असतील, हे सराईत गुन्हेगार आम्ही शोध घेऊन डिटेल देण्याचा प्रयत्न करू। एकूण एक 180,000 मुद्देमाल आहे दोन्ही मोटरसायकल म्हणून, एक बुलेट आहे रॉयल एनफील्ड कंपनीची गाडी आहे आणि एक स्प्लेंडर आहे। जवळपास 180,000 माल आहे। फिरेतीच्या घरून चोरी केली होती आणि एक अज्ञात स्पॉटवरून चोरी केली होती। त्या दोन्ही गाड्या आमच्या डिटेक्शन पथकाने आरोपीच्या ताब्यात रेकॉर्ड केली। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी, सहायक पुलिस आयुक्त सचिन थोरबोले के मार्गदर्शन में की गई। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।